नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। माई की कृपा और प्रोपराइटर प्रमोद साहू बालाजी मार्बल हाउस कहाँ पर बना है, बालाजी टाइल्स ये शिवपुरी हाईवे रोड पर नंदनपुरा के आगे आवास विकास चौराहे के पहले बना हुआ है। सामने जो आप देख रहे हैं नारायण गार्डन, उसके सामने बना हुआ है। और हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये इसलिए बता रहे हैं कि झांसी में सबसे सस्ते ग्रेनाइट मार्बल के पत्थर आपको बालाजी टाइल्स पे मिल जाएंगे, जिसको हम बालाजी मार्बल हाउस भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कलरफुल ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं मार्बल के। जैसे ही हमने अपने मुख द्वार से प्रवचन चालू करे, वैसे ही भज्जा देखने लगे हमें, और तना खुश हो जाते, गुस्सा नहीं होगा। आज ये बात आप देख रहे होंगे, अपनी हॉट सीट पे बैठ के मटक रहे कि अब हमारी बात सुनने लगे हैं। जय भज्ञा हैं, देख लो इन्हें, जय दुकान के मालिक सर शहनशाह। और हम पूरा आपको नज़ारा दिखाते हैं मार्बल हाउस का। अब आप देख रहे होंगे लाइट जल चुकी है और मार्बल पत्थर चमकने लगे। अब आएगा मज़ा देखने में, कैसे जब तक लाइट ना चले और जी तो ना हो तब तक कैसे पता चले कि कौन सा मार्बल चमक रहा हो। और आप देख रहे हो लाल रेड ब्राउन कलर का मार्बल है, जो सफ़ेद जैसे कौन सा मार्बल है। आप देख रहे होंगे मजबूती टाइल्स की, ये टूटा तो नहीं है भैया, दिखाओ। आप देख रहे होंगे कहीं से भी नहीं टूटा है, इतना मजबूत पत्थर है, सॉरी टाइल्स है। दोबारा पटक दिया इन्हें, बारे खेल की तरह जादू की तरह कर रहे हैं, ये बड़ा मजबूत है। और ये आप जो देख रहे हैं बास बेसन लगे हैं हाथ धोबे के लाने, इंडियन वेस्टर्न सीटें हैं, स्पेशल ब्रांडेड हैं, ये सोफी बियर की सीटें हैं। ये जो दीवार में लगाते हैं अपन, जो डिज़ाइन बनती है पत्थर वाली, ये कौन सी कंपनी के, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैट फिनिश टाइल बोलते हैं, मैट फिनिश टाइल। तो ये क्या वाला टाइल जमीन पे बिछाया जाता है, जमीन पे, तो ये भी मजबूत रहता, ये नहीं टूटता पटकने से भी, ये डबल चार्ज है, ये डबल चार्ज मतलब इसमें डबल लेयर रहती है। अच्छा, डबल लेयर रेडस्टोन कंपनी के नाम से। अच्छा, तो ये भी नहीं टूटती है, ये कार पार्किंग वाला है, कार पार्क के पोर्च में लगाने वाला। तो इसकी मोटाई कितने एमएम की होती है, इसमें आपकी आती है 14 एमएम की टाइल आती है, 19.5 किलो वेट रहता है। अच्छा अच्छा 19.5 किलो एक टाइल्स का, नहीं 4-5 टाइल। अच्छा, पेटी में 4-5 टाइल निकलते, 9 फुट माल निकलता है, तो कितने का पड़ता है 9 फुट, ये आपका 300 से 350 के बीच में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एलिवेशन टाइल, एलिवेशन तो फ्रंट पे लगाते हैं जो दीवार पे वो हैं। देख रहे होंगे आप कितने सुंदर टाइल्स हैं। अब ये टाइल्स अगर लगा लें और ग्रेनाइट पत्थर लगा ला तो 2 लाख वहाँ के, 2 लाख टाइल्सन के, मोड़ा के ब्याह के 4 लाख बढ़ गए। क्योंकि आजकल तो भैया जब शादी ब्याह होते हैं तो खूब बम्पर दहेज मिलत है, और दहेज लेना और देना अच्छा नहीं है, रिश्ते प्यार के नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ दहेज का कोई मतलब नहीं होता। और फिर लोग अपनी बिटिया को देते हैं, सुख सुविधा लोगों के पास भगवान ने दिया है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमारी एक बिटिया है, चलो भाई बिटिया को दान रूप ही कर देते हैं, उसको दहेज भी ना समझा जाए। क्योंकि लोग, कुछ लोग स्वेच्छा से देते हैं और कुछ लोग मांगते भी हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो मांगते हैं। अब मांगने वालों का काम है मांगते रहना और देने वालों का काम है देते रहना, तो जो मांगते हैं वो मांगते ही रहेंगे। आप देख रहे होंगे टोंटी भी इनके यहाँ कंपनी की मिलती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी टोंटी हैं जो आप देख रहे हैं। और खूबसूरती दिखाते हैं आपको, जो 7 घोड़ा है और सफ़ेद 7 घोड़ों का बहुत बड़ा महत्व है, और ये टाइल्स है और
ऐसे ही अपने दीवार में चिपक जाता है और फिर टूटने का कोई डर नहीं रहता। आप देख रहे होंगे सीनरी कितनी प्यारी प्यारी है, हाथी है, भगवान जी का दरबार है। तो आप देख रहे होंगे ये जो आजकल टेक्नोलॉजी जीना बनते हैं और तुरंत तैयार हो जाते हैं, बस इनमें सीमेंट लगाओ चिपकाते चले जाओ, काटने का कोई लफड़ा नहीं रहता। नीचे आप देख रहे होंगे इसी प्रकार का जीना बनता है। मॉडलिंग मॉडलर वगैरह सब कुछ होता है, करनी नहीं पड़ती है। ये वाशबेसन काउंटर है आप जो देख रहे होंगे, फिर दिखाई नहीं देता है नीचे का हिस्सा, बस ऊपर ऊपर का दिखाई देता है। जैसा कि ये भी वाशबेसन का नीचे का हिस्सा है आप देख रहे होंगे, और ये वाशबेसन आपको दिखाते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। और ये सामने जो आप देख रहे हैं रोड है, शिवपुरी हाईवे रोड है, सामने नारायण गार्डन है और बी आर ट्रेडर्स का शोरूम है, और जितने खटाखट मिलत है अलकुरेश के यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, वो खटाखट के सामने ही है जी बालाजी। बालाजी बड़ी फर्म है इनकी, नंदन फ्राम है, चार पांच शॉप हैं बड़ी बड़ी मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स की, वो भी हम दिखाएंगे आपको मौका मिला। आप मार्केट संवाद को यूं ही प्यार बनाए रखें और यूं ही देखते रहें। अपनी दुकान का आपको प्रचार कराना हो, विज्ञापन कराना हो, अपने रोज़गार में धंधा बढ़ाना हो और रोज़गार में चार चांद लगाने हो, तो मार्केट संवाद से संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 8318270566 और आप देखते रहें मार्केट संवाद। हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। अब जितने पर्चा फटत और जेब में से खर्चा निकलत, जो लेखा जोखा विभाग है जैसे वित्त विभाग भी कह सकते हैं, और बड़े सीरियस मूड में बैठे हैं, अब हंस गए भज्जा, ऐसे ही हंसते रहो, भगवान ऐसे ही हंसाते रहे और तुम्हारी जग हंसा ही ना हो, बस अपने मुस्कुराते रहो। अपने सरल स्वभाव से जाने जाते हैं दोनों लोग। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपकी शॉप कहाँ पर है? ये हमारी बालाजी मार्बल के नाम से है, सबसे पुराना नाम बालाजी का होंगे। अच्छा, बालाजी मार्बल, ये नारायण गार्डन के ठीक सामने है। फोन नंबर 9838240501। तो आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ ग्रेनाइट मिलता है, टाइल मिलती है, सभी प्रकार की टाइल, सभी प्रकार की चैनल की। कोई ऑफर चल रहा है समय भाई साहब? हाँ ऑफर है, रेटों में भारी छूट है अभी। अच्छा, दिवाली का ऑफर चल रहा है। जैसे कि मतलब छूट है कितने? ये मान के चलो 5-10%। अच्छा 10% है। हाँ, पहले अमाउंट बनने के बाद 10% में छूट है। हमारी ओर से आपके चैनल को भी और आपको भी और सभी मार्केट में दर्शकों को, जो देखने वाले हैं आपके सभी चैनल वालों को, हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी मार्बल के सभी परिवार की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली। एक बार सभी से अनुरोध है कि एक बार हमारे शॉप पर ज़रूर आएँ और एक बार आकर देखें, आपको अच्छा माल मिलेगा, अच्छा ऑफर मिलेगा, अच्छा क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, कम दामों पर अच्छा माल मिलेगा। धन्यवाद सर। भाई साहब कौन सा मार्बल है, क्या बोलते हैं? टाइगर ब्राउन है। टाइगर ब्राउन, टाइगर ब्राउन, ये टाइगर ब्राउन है, आप देख रहे होंगे जे वाला एस ग्रे है। कितना सुंदर कलर है, आपके घर में लगेगा तो लगेगा कि हाँ एस ग्रे लगा है। रूबी ग्रे है जी, रूबी रेड। नाम भी देख लो, लड़कियाँ वाले नाम पत्थरन के रख दे गए भैया, कितना जमाना बदल गया। जो कौन सा है? जीरा वाइट। जीरा वाइट आप देख रहे होंगे, जो जीरा वाइट है और मसाले के नाम पत्थर के नाम रख दे। जो वालों पाचनवाड़ा राजस्थान, पाचनवाड़ा राजस्थान, बहुत बढ़िया। जो वालों कोटला ब्लैक, कोटला ब्लैक, आप देख रहे हो संगे चलो भैया, मैं तो भूले जात का कह दे तुम। ये साल दूल है,
जेट ब्लैक में जी। कौन सा है? साउथ ब्लैक, जेट ब्लैक। साउथ ब्लैक, जेट ब्लैक। जो टेन ब्राउन जो ये नैनो टाइल बोलते हैं, नैनो टाइल, ये नैनो टाइल हैं, ये नैनो टाइल पत्थर बोलते हैं, ऐसे ही लगते हैं, लंबे लंबे होते हैं तो जो टूटते नहीं है। 15 mm पत्थर की मोटाई है, 15 mm के हैं पत्थर की मोटाई है। तो इन्हें लगाए वाले कंपनी से आते हैं कि आप भेज देते? अच्छा, आप भेज, उसी में चार्ज रहता है क्या? अलग से चार्ज रहता है, अलग से रहता है। क्या क्या लगवाई लेते हैं? वो लेते हैं इसकी 20-25 rupees स्क्वायर फुट की, 20-25 rupees फुट। तो जहाँ पे घिसाई तो होते नहीं है ना, जहाँ पे होने? किसी पे नहीं होगी। अच्छा, किसी पे नहीं होगी, सब घिसाई हुआ है। और ये कौन सा लगो? ये ग्रीन, ग्रीन गैलेक्सी जी, ओरिजिनल गैलेक्सी पत्थर है जिनमें क्रिस्टल चमकते रहते हैं। और आप देख रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर कलर हैं, वाइट में है ये, इनकी घिसाई मिसाई नहीं होने। आजकल तो जेई वाले लगने लगे, अधिकतर मार्बल की जगह ग्रेनाइट लगाने लगे। आप घर में ये सुंदर पत्थर लगाएंगे तो जे समझ लो कि लड़का के ब्याह में 2 lakh rupees पक्के बढ़ गए। अगर ये पत्थर लग गए तो मोड़ा के ब्याह में 2 lakh rupees बढ़ गए। जैसे बच्चा ये पत्थर लगवाओ और अपने घर को सुंदर बनाओ। असली खजाना तो अब हम तुम्हें दिखा रहे हैं। और जे भैया झांसी के नंदनपुरा के, जैसे कि शहनशाह होत बस्ती को, ऐसे ही जो नंदनपुरा के शहनशाह हैं मार्बल ग्रेनाइट और टाइल्स के मामले में, इनकी 4-5 शॉप हैं, वो भी हम बताएंगे। आप देख रहे होंगे ये टाइल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चमक रहे, और बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब प्रकार के हैं। आजकल जो लकड़ी के बोर्ड से जैसे ही डिज़ाइन चलने लगी है, और अब यही लगने लगे हैं अधिकतर बड़े बड़े, क्योंकि छोटे भी टाइल्स आते हैं लेकिन इनकी थिकनेस मोटाई ज़्यादा होती है क्योंकि थोड़े बड़े रहते हैं। ये कौन सा टाइल्स बोलते हैं भाई साहब? ये नाम से चलता है, इसका कंपनी नाम दे दीजिए, अपनी नाम देती है, नाम से चलता है। किसी का आई वेलवेट है, किसी का इसका ग्रे है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा ग्रे टाइल्स है। ये देख रहे होंगे कितना मजबूत ये टाइल्स है, और आपको पता चल जाएगा।